हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग दिस इज योर मैथ्स क्लास आर यू रेडी टेक योर पेंसिल एंड ओपन योर बुक चैप्टर ट्वेल्व एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू टूडेज योर टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ मेज़रमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेज़रमेंट स्टूडेंट्स इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है कन्वर्जन ऑफ मेज़रमेंट एडिशन ऑफ मेज़रमेंट और आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ़ मेजरमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेजरमेंट सो टेक योर पेंसिल स्टूडेंट डू दिस वर्क इन योर बुक ये वर्क आपको अपनी बुक में ही करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेंशन टू डेट सभी बच्चे अपनी बुक में या नोटबुक में जो भी वर्क करते हैं तो उसमें डेट अवश्य मेंशन करें क्योंकि हम देखते हैं कॉपी करेक्शन करते समय कई बच्चे हैं जिनका वर्क तो आता है लेकिन डेट मेंशन नहीं होती है बच्चे इस तरीके से हम अब कॉपी करेक्शन नहीं कर पाएंगे ओके इसलिए डेट ज़रूर मेंशन करनी है और वर्क हमेशा नीट एंड क्लियर होना चाहिए चलिए हम करते हैं सब्टशन द फॉलोइंग दिए गए इन क्वेश्चन को आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है फ़ाइव माइनस सिक्स ज़ीरो माइनस सेवन एट नाइन माइनस एट एंड फोर माइनस थ्री ठीक है तो सब कैसे करते हैं बच्चों फाइव माइनस सिक्स यानी फाइव इज़ लेस देन सिक्स तो टेक बोरो फ्रॉम ज़ीरो ज़ीरो से तो आप बोरो नहीं ले सकते इसलिए ज़ीरो से ने किससे लेना है नाइन से तो जब नाइन ने जीरो को दिया तो ज़ीरो के पास होगा टेन अब जब टेन यहाँ पर हैं तब आप जो है टे यानी फाइव जहाँ पर है तो वो ले सकते हैं ना टेन से टेन से जब इन्होंने लिया वन तो जीरो टेन के पास कितने रहेंगे नाइन ठीक तो अब आप करेंगे फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस सिक्स फिफ्टीन माइनस सिक्स क्या हो जाएंगे नाइन इसी प्रकार नाइन माइनस सेवन इज इक्वल टू टू अब आपने नाइन से दिया था ना यस yes. तो नाइन के स्थान पे हो जाएगा एट एट माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो एंड फोर माइनस थ्री इज इक्ल टू वन इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर फोर माइनस सेवन वन माइनस सिक्स ज़ीरो माइनस नाइन एंड फाइव माइनस सिक्स माइनस फाइव तो इसी प्रकार से फिर से आपको बोरो लेना है चेक बोरो फ्रॉम वन तो यहाँ पर फोरटीन के स्थान पे फोर के स्थान पे फोरटीन एंड वन के स्थान पे क्या हो जाएगा ज़ीरो ठीक है वन क्योंकि वन है वन आ, इन्होंने फोर को दे दिया तो फोर को दिए तो फोर्टीन हो गए फोर्टीन माइनस सेवन इज इक्वल टू सेवन अब यहाँ क्या था ज़ीरो ठीक है ज़ीरो माइनस सिक्स तो अब फिर से एक बार आप वो लीजिए वारो किससे लेंगे सिक्स से सिक्स ने दिया है हेक्टोलीटर को तो यहाँ पर हो गए टेन फिर टेन से आपने डेसी ले लिया वन तो यहाँ पर हो गए ज़ीरो थे ज़ीरो में वन दे दिए तो यहाँ पर हो जाएंगे वन ज़ीरो टेन और ज़ीरो के स्थान पे हो जाएंगे नाइन ओके एंड सिक्स के स्थान पे फाइव चलिए फिर अब हम सब करते हैं फोर्टीन माइनस सेवन इज इक्वल टू सेवन टेन माइनस सिक्स इज इक्वल टू फोर नाइन माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड आप कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव फोर एंड फाइव आप अपनी नोटबुक में करना होगा कहाँ पे करेंगे बच्चों नोटबुक में तो नोटबुक में जो आज की डेट है वही मेंशन करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आज ही आपको करनी है ठीक है तो जैसे आपने ये कॉलम में लिखे गए हैं नंबर इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर फोर को भी कॉलम में लिखेंगे ट्वेल्व के जी ग्राम और इसमें सप्रेट करना है आपको नाइन के जी फोर हंड्रेड सेवेंटी नाइन ग्राम इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर बी क्वेश्चन नंबर फाइव में हमने क्या किया सेवन हंड्रेड और इसमें सपरेट करना है वन फोर्टी एंड फिफ्टीन मिलीमीटर तो अब आप क्या करेंगे बच्चों सबसे पहले क्या करना है सेवन हंड्रेड लिखिए एंड मिलीमीटर लिखना है फिर डेसीमीटर में वन फोर्टी दिया है और फिफ्टीन मिली mm. अब आप क्या करेंगे सेवन हंड्रेड डेसीमीटर ना तो मिलीमीटर mm के स्थान पर आप लिख लीजिए डबल ज़ीरो अब आपको सपरेट करने में आसानी हो जाएगी ओके यहाँ ये नहीं लिख देंगे ज़ीरो ज़ीरो नो आपको कैरी लेना है क्या करना होगा कैरी लेंगे तो कैरी लेते हुए आप लोग सपरेट करेंगे अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सी है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में भी दिया गया जो है उसे आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे सबसे पहले एट यहाँ पर देना है थ्री सेवन फोर एट थ्री के जी सेवन हेक्टोग्राम फोर डेका ग्राम एंड एट ग्राम को मल्टीप्लाई करना है सेवन से तो बच्चों सेवन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन का मल्टीप्लाई करने के लिए सेवन का टेबल आना चाहिए और सभी बच्चों को ट्वेंटी तक टेबल्स आने चाहिए थ्रू आउट ओके तो सेवन तो एट जो फिफ्टी सिक्स सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स के देखिए मैंने सिक्स लिखे हैं यस और कैरी कितने हैं फाइव सेवन फोर जा ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस फाइव तो कितने हो जाएंगे थर्टी थ्री फिर से आपने कैरी लिया थ्री सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन में थ्री प्लस कीजिए फिफ्टी टू फिफ्टी टू के टू लिखिए एंड फिर कैरी बचते फाइव तो सेवन थ्री जहा ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन में फाइव प्लस करेंगे ट्वेंटी सिक्स तो बच्चे इस प्रकार से आप लोग अपनी बुक में जो ये वर्क दिए हैं इन्हें आप जैसे मैंने टेबल्स पढ़े अब टू का टेबल्स टू टाइम्स टू टू, टू ज़ा फोर टू थ्री जॉ सिक्स टू, टू फोर ज़ा एट टू नाइन जी एटीन क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो कितना ईजी था इसमें कोई भी कैरी की रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए हमने कैरी नहीं लिया अगर कैरी की रिक्वायरमेंट होती है तो कैरी लेते हैं है ना तो अब आप लोग जल्द से जल्द इस वर्क को अपनी बुक में ही तो फिल करना है बुक में फिल कीजिए हाँ बच्चों देखिए कॉपी करना तो आसान होता है लेकिन अगर आप अपने मन से करेंगे वीडियो देखते हैं ध्यान से देखिए वीडियो को और उसके बाद कोश कोशिश ये करो कि हम दिए गए क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करें ओके तो इस तरीके से आप लोग जल्द से जल्द अपना वर्क कंप्लीट कीजिए सेंड कीजिए ओके बाय बाय अ नाइस डे